Hi guys, welcome back to the channel. My name is Sarvesh Breed. Thank you so much for subscribing to the channel. Thank you so much for supporting me till now. So, आपने एकदम सही पढ़ा. आज का टॉपिक होने वाला है एक पोलारॉइड कैमरा के बारे में. ये कैमरा थोड़ा बहुत अलग है क्योंकि इसमें कोई मेमोरी कार्ड नहीं होता, इसमें कोई रिचार्जेबल बैटरी नहीं होती. ये दिखने में बहुत बड़ा होता है बट टू बी ऑनेस्ट इतना प्रैक्टिकल नहीं जितना कि हमारा ये GoPro हो या फिर हमारा फोन होगा या फिर DSLR होगा. पर फिर भी लोग इसे खरीदते क्यों है? इसका जो टाइप है उसे पोलराइड कहा जाता है. इसका नाम है इंस्टैक्स मिनी 8. इसके पहले भी 7, 7S, 8, 8S, 9 भी है बट उसके हिसाब से इंस्टैक्स मिनी 8 अभी तक के लिए सबसे बेस्ट कैमरा है. अमेजोन पे भी बेस्ट सेलर्स चॉइस करके इसे माना जा रहा है. ये वो तरीके का कैमरा होता है जिसके अंदर आपको रोल फीड करना होता है और जैसे आप फोटो क्लिक करते हो उसके ऊपर इंक छप जाती है और उसके ऊपर से हमें सीधा राइट उसी जगह पे फोटो की एक कॉपी मिल जाती है. सो यही एक चीज़ है इस कैमरा के बारे में जिसके वजह से लोग इसे खरीदते हैं और लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग फील होता है. इसे कहाँ से ऑर्डर करें? तो मैंने इसे ऑर्डर किया अमेजोन से. अमेजोन की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से मैंने ऑर्डर किया. इसे मैंने परचेस किया है 2,800 रुपीज़ में जिसकी डिलीवरी कम्प्लीटली फ्री थी, जिसके साथ सेल नहीं आते या इसका रोल भी नहीं आता. तो पूरी वीडियो देखना, पूरा ब्लॉग देखना गाइस. आगे मैं इसके बारे में हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा. You break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless praying. Some things never change, never change. Oh. So ye hai फ्यूजी फिल्म का इंस्टैक्स मिनी 8. सामने से बॉक्स कुछ ऐसे दिखाई देता है, पीछे इसके जो फोटोज होते हैं उसके बारे में बताया गया है, यहाँ पे ऊपर इसके बारे में सारी डिटेल्स दी गई है, साइड में इसके इसका जो कलर है उसके हिसाब से, ये जो इसका ग्रेप कलर है उसके हिसाब से उसका फोटो दिया गया है, उसके नीचे थोड़े बहुत चीज़ें दी गई है और इन बॉक्स क्या क्या मिलेगा उसके बारे में बताया गया है. सो द पैकेज कंटेन्स इंस्टैक्स मिनी 8, द एक्चुअल कैमरा, देन द स्ट्रैप. I'm sorry, I didn't mention that batteries नहीं आती, पर batteries आती है, batteries LR6. मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने actual batteries इसकी खरीदी और बाद में मुझे पता चला कि इसके अंदर batteries होती है. But to be honest guys, आप Duracell या कोई अच्छी batteries खरीदे तो अच्छा होगा क्योंकि इसके साथ जो भी आती है वो बहुत ही local and cheap made batteries आती है जिस जो फट से डिस्चार्ज हो सकती है और उसका कोई मतलब नहीं बनता. और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो कि हर कैमरा में होता है. आगे बढ़ते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं गाइज. तो ऐसे करता है बेटा. Alright, so ये पैकेजिंग डैमेज रैप, दैट इज अ ग्रेट पार्ट. हर ओके, सो ये कैमरा है गाइस. सो आई डू वन थिंग, इसे थोड़ा साइड में रखता हूँ, पहले इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल को निकाल देता है. सो ये रहा इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल. इसका जो फिल्म पैक होता है जो कि आपको रोल जिसे कहा जाता है हमारी भाषा में, तो उसे कैसे हैंडल करना है उसके लिए ये बताया गया है. दिस इज लाइक ओके, इन शॉर्ट एक्सप्लेन किया गया है कैमरा मोड्स के बारे में. तो इसके अंदर बहुत ही कम और लिमिटेड मोड्स है बट दे आर रियली इंटरेस्टिंग, जो मैं वीडियो के बाद में बताऊँगा. इस सारी चीज़ों को हटा देते हैं, अब कैमरा को ओपन करते हैं. सो गाइज, ये है ग्रेप कलर का इंस्टैक्स मिनी 8. ऑलराइट, सो ये कैमरा काफ़ी क्यूट दिखता है. इसके आजू बाजू कोई भी शार्प एजेस नहीं है, इट्स ऑल बेवल्ड और बहुत क्यूट दिखता है. टू बी ऑनेस्ट, आप सामने से अगर देखोगे तो बहुत प्यारा लगेगा. यहाँ से बैटरीज को डाला जाता है. सो मैंने ड्यूरासेल की 2 बैटरीज दी थी, नॉर्मल अपनी AA बैटरीज इसके अंदर आती है. सो वो भी ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं, 30-40 रुपीज़ में आपका वो एक काम हो जाएगा. यहाँ पे इसका फ्लैश है जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंडोर फोटोज़ के लिए. यहाँ पे ये जो सेंसर है उसके हिसाब से आपके फोटोज़ कौन से मोड में क्लिक होने चाहिए उसके बारे में ये कैमरा खुद ही सेंस कर लेता है. यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मोड्स दिए गए हैं. सो इसमें एक जिसपे होम साइन है जो कि एक इंडोर मोड है, क्लाउड, सनी, एक्स्ट्रा सनी एंड देन देयर इज हाई की मोड जबकि आपको अंधेरे में फोटोज़ क्लिक करने हो वो भी अच्छे खासे HDR क्वालिटी के, तो हाई की मोड पे डाल के क्लिक करोगे बट उसी के लिए आपको अच्छा खासा स्टेबिलाइजेशन चाहिए. इसे स्टार्ट करने के लिए गाइस यहाँ पे एक बटन है, इसका जो शटर बटन है वो यहाँ पे है. सो कन्फ्यूज मत होना, ये बटन दबाते ही ये लेंस ऐसे पॉप हो जाती है. एक छोटा सा आवाज़ इसमें आता है, मतलब यूजुअली अगर आप फ्लैश करते हो तो एक आवाज़ आता है, एक पतला सा पिन जैसा आवाज़ आता है. अगर आपको ऑडियो में आया होगा तो अच्छी बात है. अगर आप नोटिस करते हो तो ये लाइट होम के साइन के ऊपर है, दैट मीन्स कैमरा हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सेंसर के हिसाब से आप घर पर फोटोज़ क्लिक करने के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी द परफेक्ट थिंग. अगर आपको इसमें आपके हिसाब से कोई अलग फोटो क्लिक करना है, आपके मोड्स के हिसाब से कोई अलग फोटो क्लिक करना है, अगर आप अपने प्रोफेशनल हो तो इस फोटो को क्लिक कर सकते हो अपने मोड्स के हिसाब से.
सो ये शटर बटन गाइज, इस बटन को क्लिक करते ही फोटो निकल आता है और यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ से ये जो रोल है उसका एक कॉपी, जो एक कॉपी होती है वो बाहर आ जाती है। तो थोड़ी देर में आपको मैं बता देता हूँ कि ये कॉपी किसे होती है। कुछ इस तरह इसकी प्रिंट दिखाई देती है। सो गाइज ये प्रिंट यहाँ ही से निकल जाती है और एक थोड़ी देर में ये प्रिंट छुट जाने दो। ये कैसे मैंने किया ये आपको दिखा देता हूँ। 3, 2, 1 फुल कवर था अंडर मस्त। ये कैमरा का व्यू फाइंडर है तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको कभी भी उंगली नहीं रखनी है। सो गाइस इसके अंदर रोल जो है जो मैंने पहले से डाला हुआ है, अगर आप नोटिस करते हो तो यहाँ पे येलो मार्कर, यहाँ पे येलो मार्कर, तो आपको इन दोनों येलो मार्क्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये वापस एस पे आ चुका है। एक रोल जो होता है 10 फोटोज का होता है, तो अभी 8 पे था क्योंकि मैंने 2 फोटोज क्लिक कर दिए हैं अभी तक के लिए। पर जैसे मैंने ये लिड को ओपन किया, ये वापस एस पे चला आया है। दोस्तों इस कैमरा में आप वीडियो शूटिंग नहीं कर सकते, इस कैमरा में सिर्फ फोटोज आते हैं क्योंकि इस कैमरा में कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, ना कि इसमें कोई मेमोरी कार्ड है जिसमें आप कोई रिकॉर्डिंग सेव कर सकते हो। इस कैमरा की पॉजिटिव साइड अगर आपको बताने जाओ तो ये कैमरा दिखने में काफ़ी क्यूट है। अगर आप किसी भी अपने दोस्त को गिफ्ट करना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे प्राइस में है, दिखने में बहुत काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे फैशन व्लॉगर्स जो कि इंस्टाग्राम पर इसके साथ फोटोज क्लिक करते हैं, इससे फोटोज बहुत कम क्लिक किया जाता है, पर जब इसे हाथ में रख के कोई शूट्स के लिए फोटो क्लिक करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा खासा लुक देता है। इसे फूजी इफेक्ट कहा जाता है और बहुत कुछ कहते हैं, मतलब लाइक कृतिका नोज लॉट अबाउट दिस, तो दैट वाज अ परफेक्ट थिंग। और एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपको किसी का फोटो क्लिक करके इमीजिएटली उन्हें देना होगा तो आप इसमें से उनका फोटो क्लिक करके उन्हें दे सकते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर जगह की मेमोरी इमीजिएटली उनके पास चली जाती है। नेगेटिव्स की बात करें तो गाइस ये कैमरा थोड़ा बहुत इम्प्रैक्टिकल है। इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है, जो कि यहाँ से जो व्यू जो है बहुत ही छोटा है, 4:3 से भी कम है, तो आपको बहुत संभल के फोटो क्लिक करना होता है। दूसरी बात, इसका जो रोल है वो 500 रुपीज़ का 10 पीस आते हैं। सो 500 रुपीज़ के हिसाब से 10 पीस अगर कैलकुलेट कर तो 50 रुपये का एक फ़ोटो हो जाता है। उसके हिसाब से अगर आपने कभी भी गलती से कोई क्लिक किया और वो फ़ोटो आपका वेस्ट हो जाएगा, आप उसे वापस दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, वापस आप इसके रोल के अंदर कोई भी फ़ोटो नहीं डाल सकते, तो आपको इसका रोल लेना ही होता है। ओवरऑल जो फोटो क्वालिटी होती है वो हार्डली 3 या 4 मेगापिक्सल या फिर 5 मेगापिक्सल पकड़ लो अप्रोक्स। सो मैंने घर पे ही इस फोटो को क्लिक किया है, होम मोड पे ही क्लिक किया, मॉम डैड को अपना मॉडल बना लिया और मॉम डैड का एक फोटो क्लिक किया क्योंकि मुझे उनका एक फोटो क्लिक करना था इस कैमरा के थ्रू, और बहुत ही अच्छा फोटो आया है। फ्रेम थोड़ी बहुत छोटी है पर ठीक है, आप एडजस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से, हम फ्रेम को एडजस्ट करके क्लिक कर सकते हो। फ्लैश ऑन होने की वजह से अगर आप कोई स्पेक्स पहनते हो या गॉगल पहनते होंगे तो रिफ्लेक्शंस आएंगे, उसके हिसाब से फोटो में इतना ज़्यादा डिटेल तो है नहीं, पर उसके हिसाब से फोटो एक मेमोरी के लिए काफी अच्छा दिखता है, छोटा सा क्यूट सा काफी अच्छा दिखता है, फॉरएवर ये मेमोरी आपके साथ रहती है। बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में गाइस, प्राइसिंग काफी अच्छी है। एक्चुअल कैमरा की प्राइस 5700 दिखाई जाती है पर उसे स्ट्राइक थ्रू करके 2800 का इसका वैल्यू ऑफर चल रहा है सिर्फ ये पर्टिकुलर कलर के ऊपर। कोई और कलर लेते हो तो शायद से उसको आपको ज़्यादा पे करने होंगे, बट टू बी ऑनेस्ट ग्रेप इज अ वेरी ब्राइट कलर। इसमें पीच कलर भी है, वाइट भी है, ब्लैक भी है, चेरी रेड समथिंग, ऐसे भी बहुत सारे कलर्स थे, पर ग्रेप उनमें से बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहा था। और अगर बहुत सारे कपड़ों पर अगर आप उसको आप इस कैमरा को पकड़ के फोटो क्लिक करना चाहते हो तो टू बी ऑनेस्ट ये कैमरा बहुत अच्छा लुक देगा एज अ प्रॉप फॉर योर फोटोशूट। बात करते हैं प्रैक्टिकल और इम्प्रैक्टिकल चीज़ों की, तो प्रैक्टिकल चीज़ों में गोप्रो हो गया या फिर DSLR हो गया या फिर हमारा फ़ोन हो गया या फिर कोई G7 या फिर कोई पॉइंट टू शूट कैमरा हो गया, ये सारे प्रैक्टिकल कैमराज होते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट ये कैमरा थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल साइड पर चला जाता है, पर कभी भी क्या होता है गाइस, आपको कोई मोमेंट को बहुत ही अलग तरीके से कैप्चर करने के लिए या फिर ये सारी चीज़ों मतलब होता है ना एक हॉबी की तरह आपको कलेक्ट करने के लिए, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पीस। ज़्यादा आपको पे करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट उसके हिसाब से दिस टर्न्स आउट टू बी अ गुड पीस। और गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं बहुत सारे जुगाड़ करते रहता हूँ हर चीज़ के बीच में, तो ऑफकोर्स ये एक नया चीज़ हमारे खाते में ऐड हो चुका है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत जुगाड़ करेंगे और लेट्स सी हाउ इट गोज टिल डेट।
सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, एंड दिस व्लॉग राइट ओवर हियर. अगर आपको कमेंट सेक्शन में और कुछ चीजें मुझे पूछनी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं बहुत जल्दी आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा. बाकी सारी इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. उप्स, गिरना मत भाई. मेरे व्लॉग्स में बहुत फास्ट अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना. अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक करना, जाते जाते जरूर लाइक करना. एंड अगर आपको ये कहना किसी को भी गिफ्ट करना है, मॉम डैड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी को भी गिफ्ट करना है, तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पीस. ओवरऑल मी एंड कृतिका आर क्रेजीली गॉन मैड फॉर दिस, क्योंकि बाकी मेरे पास काफी कैमराज है, बट टू बी ऑनेस्ट ये कैमरा एक अलग लुक देता है. आगे फ्यूचर हर एक व्लॉग में आपको हर जगह जहाँ भी जाऊँगा तो ऑफकोर्स ये कैमरा से एक फोटो तो जरूर होगा. सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, आई सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन चाओ.